एवरीवन कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं क्या आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है बुक्स को लेकर के सो हेयर आई एम माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक आज मैं यहाँ पर आई हूँ हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ और जो सब्जेक्ट मैं आज लेने वाली हूँ वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन अब जैसे कि हम सारे ही लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ एस्पिरेंट्स हैं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं बुक्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं अगर हम बिगिनर हैं आज जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो आई वुड डील अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली कुछ क्वेश्चन होते हैं पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं बिगनर हूं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए अगर मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ तो ऐसी कौन सी बुक है जो मेरे कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा या फिर मुझे कोई भी एग्जाम लिखना है भले वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या होम एग्जाम हो तो कौन सी बुक मेरे लिए हेल्पफुल होगी इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई एम हेयर टूडे सो लेट्स गेट स्टार्टेड आते हैं सबसे पहली और सबसे बेस बुक के ऊपर यह है आर के बांग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक ये बुक सारे स्टूडेंट्स को पता होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट या सेकेंड में पढ़ा दिया जाता है एंड दिस इज द मोस्ट फेमस बुक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब बुक के बारे में तो हमने सबने सुना है 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 अब इसकी क्वालिटीज क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स लेट्स डिस्कस अबाउट इट इस बुक की क्वालिटी ये है कि ये, मैंने ऐसा लिखा है कि ये स्टेज वन के लिए है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट स्टॉप फॉर आर के बांगिया क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही ल्यूसेड है बहुत लेमैन है आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करती है तो ये इस बुक के बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उतने टेक्निकल हैं तो काफी बट उतने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है सो तो so, यहाँ पर ये थोड़ा सा लैक करती है उसके लिए वी कैन फॉलो अवतार सिंह अवतार सिंह की बुक स्टेज टू के लिए जब आपने एक बेस लेवल डेवलप कर लिया है आर के बांगिया पढ़ के और आपको अपने कुछ कॉन्सेप्ट को लेवल अप करना है या कुछ कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी चाहिए देन यू कैन गो फॉर अवतार सिंह कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो इसमें थोड़े प्रॉपरली एक्सप्लेन है सो यू कैन ऑफर अवतार सिंह दोनों ही बुक्स मोर और लेस सेम है बट हाँ दोनों कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती एज वी ऑल नो सो फॉर अ कंप्लीट स्टडी बेस लेवल से टेक्निकल लेवल तक अपने को कंप्लीट प्रिपरेशन देने के लिए यू कैन फॉलो बोथ दीज बुक्स नाउ कमिंग टू मुल्ला ये भी काफी अच्छी बुक है बट तो ये इसमें काफी लिमिटेड कंटेंट दिया हुआ है तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो बानगिया और अवतार सिंह सफाई नहीं है उसके लिए आप मुल्ला की बुक को फॉलो कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो कि टेक्निकली ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है सो फॉर दैट टॉपिक्स यू कैन ऑप फॉर मुल्ला अब ये तो हो गई हमारी बेस बुक्स जो कि हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगी हम हमें बेस लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगी अब आते हैं कुछ रेफरेंस बुक्स के लिए जैसे कि रेगा सूर्या राव हो गई ए के जैन हो गई और सिंगल्स पब्लिकेशन की हो गई सबसे पहले तो इन बुक्स को पढ़ने से पहले आप इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करिए ये सिर्फ रेफरेंस बुक्स हैं कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नहीं है बस अगर आपको कोई भी कंटेंट एक फॉर्मेटेड फॉर्म form में जगह कंसाइज फॉर्म में चाहिए सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज बुक्स नेक्स्ट अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है और आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहां का स्टडी मटेरियल ऑप्ट कर सकते हैं जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या है आपको अलग अलग बुक से रिसर्च करके आंसर फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको एक ही जगह सारा रिसर्च मटेरियल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइल फॉर्म में मिल जाता है सो इट विल हेल्प यू फॉर ट्रैकिंग जुडिशरी एग्जाम्स सो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सारी जो बेस बुक्स हैं या रेफरेंस बुक्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हो इन केस यू वांट कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे ऐसी ही सीरीज ना हूँ अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे ऐसा ही डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट